खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर दोस्तों हमने कविता सुनी थी, बचपन में पढ़ी थी। हमें पता चला था कि रानी लक्ष्मीबाई कितनी बड़ी वीर थी। ऐसे में दोस्तों इन पर फिल्म लेकर आ रहे हैं जी स्टूडियोज, मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी। मणिकर्णिका इसमें जो कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रही हैं वो बॉलीवुड की क्वीन कर रही हैं कंगना रनौत। आई एम श्योर उन्होंने डेफिनेटली अच्छा किया होगा क्योंकि वो तो गजब की एक्ट्रेस हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है थोड़ा सा गड़बड़ होने वाली है। आपको बता दूं दोस्तों, फिल्म जो है वो देशभक्ति से ओतप्रोत है और ये बात कंगना और प्रोड्यूसर मिस्टर कमल जैन ने एक इंटरव्यू के दौरान बातचीत में बताया कि फिल्म जो है देशभक्ति से भरी हुई फिल्म है, यूथ को देखनी चाहिए फिल्म और फिल्म इंस्पायर्ड करेगी। फिल्म के लिए वो सोच रहे हैं कि 15 अगस्त यानी कि हमारी आजादी का दिन बेस्ट रहेगा कि हम फिल्म को रिलीज करें पर्दे पर। और ऑब्वियसली यार, रानी लक्ष्मीबाई इतना बड़ा कैरेक्टर है तो ऐसी रिलीज डेट तो बनती है बॉस। अब दोस्तों यहां पर मिस्टर कमल जैन ने जो बोला कि हम सोच रहे हैं, इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि 15 अगस्त को रिलीज करें फिल्म, तो हो सकता है अक्षय कुमार के लिए यहां पर थोड़ा सा संकट। अब संकट ऐसा नहीं है, अक्षय कुमार की भी फिल्म अच्छी है। अक्षय कुमार अपनी फिल्म लेकर आ रहे हैं गोल, जो कि इंडिया जब ब्रिटिश काउंसिल के अंदर थी और पहली बार गोल्ड मेडल जीत के लाई थी इंग्लैंड में, तो उस पर कहानी है गोल्ड की। तो दोस्तों 15 अगस्त को अगर मिस्टर कमल जैन ने डिसाइड कर लिया तो यहां पर रानी लक्ष्मीबाई द वॉरियर क्वीन रानी लक्ष्मीबाई से लड़ेंगे दोस्तों कौन, अक्षय कुमार, खिलाड़ी कुमार। पर्दे पर होंगी दो बड़ी फिल्मों की घमासान टकरार। देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि ऑडियंस, दर्शक किसे पसंद करते हैं। क्या वो हमारी जो आइडल रह चुकी हैं रानी लक्ष्मीबाई, उनको, उनकी कहानी को ज्यादा पसंद करते हैं या फिर गोल्ड को पसंद करते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, आप किस फिल्म के लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं और अगर ये क्लैश होता है तो आप किसको प्रायोरिटी देंगे पहले देखने के। हालांकि दोनों ही फिल्म देखें मैं तो चाहता हूं आपको, लेकिन एक जो नंबर वन प्रायोरिटी वाली होती है ना, वो किसको देखेंगे आप, कमेंट सेक्शन आपका है। रानी लक्ष्मीबाई की तरह एकदम वॉरियर बनिए और नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि आपकी क्या है राय, आपके क्या है सजेशंस। कमेंट सेक्शन आपका इस्तेमाल कीजिए। फॉर मोर फिल्मी अपडेट्स वॉच चैनल फिल्मी आरा विद मी राहुल भोज।